हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ब्लॉग की शुरुआत करी हूँ मॉर्निंग दिन के 12 बजे से। अभी मॉर्निंग नहीं, दिन हो रहा है और अभी आई हूँ छत में। और आज का मौसम वही रोज की जैसे धुंध है, बट गर्मी भी काफ़ी हो रही है। धूप में आने में पसीना आ जा रहा है। अभी भी नवम्बर का महीना है और अभी भी गर्मी नहीं गई है। मतलब हल्के हल्के पंखे की दिन में जरूरत पड़ रही है। हाँ, कुसु ये भी मेरे साथ आया है। हाय 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 कर दो। हाय हाय। निकिता भी चली गई है सुबह सुबह और अब घर थोड़ा खाली खाली हो रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है उसके बिना। अभी हमारे यहाँ कुछ गेस्ट भी आने वाले हैं जो हमारे पुराने पापा के स्टाफ के थे। बहुत जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे उस टाइम पे स्टाफ के थे वो, तो उनके साथ कांटेक्ट अभी तक बना हुआ है। और हम लोग भी जब वहाँ उनके वहाँ जाते हैं, उस शहर में जाते हैं, तो हम उनके वहाँ जाते हैं और वो हमारे वहाँ आते हैं। वो लोग हैं देहरादून से, तो हम लोग जब भी देहरादून जाना होता है तो उनके वहीं रहते हैं। और आज वो हल्द्वानी आए हैं अपने काम से, तो आज वो हमारे यहाँ आने वाले हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सालों बाद मिलेंगे। हम लोग बनाने लग गए हैं दिन का लंच और अब थोड़ी देर में आंटी लोग भी आने वाले हैं। आ चुके हैं अंकल और आंटी। तेजू तू यहाँ क्या कर रही है? का देख लिए यहाँ छे? तू का देख लिए? डर क्यों रही है? दिन के 2:30 बज चुका है और अंकल लोग भी आ चुके थे। पहले आ गए थे वो लोग, फिर दोबारा अंकल को जाना पड़ा क्योंकि उनका काम यहाँ से हो नहीं रहा था। तो फिर कुछ फॉर्म वगैरह भरना था तो दोबारा गए थे। और खाना वगैरह रेडी हो चुका है और वो लोग भी आ चुके हैं। आप सभी लोग अभी पूरा घर देख रहे हो क्योंकि नया घर बना है, तो पूरा घर देख रहे हैं। अभी छत में गए हुए हैं, उसके बाद खाना वगैरह खाएंगे फिर चले जाएंगे कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से उनका काम बन नहीं पा रहा है। उनको देहरादून वापस जाना है, तो अभी थोड़ी देर में वो जाने वाले भी हैं। खाना खाने लग गए हैं सभी लोग और मैं और कविता खाना लगा रहे हैं। हम लोग लास्ट में खाएंगे। जाने लग गए हैं आंटी लोग। ये अरबी किसी लगा रही थी? चलो ठीक है फिर, बाय। डुबूट क्या भाई? रास्ता याद है? ठीक है ठीक है। सो गाइस, शाम हो चुकी है और कुसु सो के उठ गया है। 6:30 बज गए हैं, अभी उठ रहा है। और अंकल आंटी दिन में ही चले गए थे, उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट किया और अब जाके कुसु भी उठ गया है। कुसु कर रहा है नानू के साथ पूजा। नानू के साथ यहाँ आके गोदी में बैठ के बस बैठे रहता है, भगवान की पूजा करता है आजकल। यहाँ पे कुसु घूम रहा है, यहाँ सब्जी काटी जा रही है और साथ में ब्लॉग भी देख रही है। अभी अपलोड किया है जो मैंने। ये कुसु अपने मामा के साथ ऐसे खेल रहा है, ऐसे बैठा है। कुछ हेलो एवरीवन, ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ मैं नेक्स्ट डे से। और अभी हमारा नाश्ता वगैरह हो चुका है, अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा काम से मार्केट। सो गाइज, मैं घर पहुँच चुकी हूँ और कुसु ने यहाँ बिल्कुल हल्ला करके रखा है ना, शोर शराबा कर रहा था ना, सब परेशान हो रहे हैं इससे। देखो इसके सामान मिल गया है, अब इसके साथ इसको छिड़ाखानी करनी है। क्लैपिंग। सो दोस्तों, शाम के 5 बज चुके हैं और मैं हो गई हूँ तैयार फिर से अपने ससुराल जाने के लिए। अब वो फाइनली वो दिन आ गया है जब मैं ससुराल जाने वाली हूँ। अभी कुछ सोया ही है, पता नहीं कब उठता है। समय ऐसा हो गया है, ऐसा लग रहा है कि अंधेरा हो जाएगा अब थोड़ी देर में। आजकल जल्दी अंधेरा भी हो जाता है, अब क्या कर रहे हैं, उठ ही नहीं रहे हो। कुसु भी उठ चुका है और तैयार कर दिया है जाने के लिए और अब हम जाने लग गए हैं। हम लोग पहुंच गए हैं घर।
कुशु घूम रहा है पूरे घर में, वो इधर उधर देख रहा है और बहुत खुश हो रहा है। ये आते ही खिले खिलौने खाने लग गया है। भूख लगी है आपको है कुछ?